मिक्स सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है, अपन कोई भी वर्ड लेंगे और उसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे, मीन्स उसके ऊपर हम वाक्य बनाएंगे. ओके जैसे गर्ल तो आई एम अ गर्ल, टीचर आई एम अ टीचर. ओके ओके लेट्स स्टार्ट राइटिंग. लुक आवर फर्स्ट टॉपिक इज सन. ओके चलो अब हम इस सन के ऊपर सेंटेंस बनाएंगे. लेट्स मेक सेंटेंस ऑन अ सन. ओके सन का होता है स्काई में. चलो सन के ऊपर सेंटेंस बनाते हैं. द सन, सन कैसा होता है, गोल मीन्स राउंड, राउंड राउंड होता है ना सन, गोल गोल सन होता है. ओके चलो लेट्स मेक सेंटेंस. माय सेंटेंस इज द सन, द सन इज कैसा होता है सर, राउंड गोल. तो द सन इज आर यू एन डी राउंड, द सन इज राउंड. ओके सन कैसा है सर, गोल है. ओके लेट्स लेट्स स्टार्ट सेकंड टॉपिक दैट इज डीओजी डॉग. द डॉग, तो डॉग क्या करता है, डॉग बात करता है ना, डॉग क्या करता है, भौंकता है. तो हम उसके ऊपर सेंटेंस बना लेंगे. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है राइट. द डीओजी डॉग, द डॉग क्या करता है, डॉग बार्क करता है, भौंकता है ना डॉग, द डॉग बार्क्स. ओके तो बार्क्स का क्या मतलब होता है, बार्क्स का मतलब होता है भौंकना. ठीक है ओके नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल दैट इज एम ओ टी एच ई आर मदर. मदर क्या करती है, मदर बहुत टेस्टी टेस्टी फूड को कुक करती है ना, अपने कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है. तो हम वैसे ही सेंटेंस बनाएंगे मदर के लिए, माय मदर, माय मदर कुक्स, सी डबल ओ के एस कुक्स. कुक्स मीन्स खाना बनाना है ना, जो पकाते हैं खाने को पकाना होता है उसको क्या बोलते हैं, कुक्स बोलते हैं. और फूड मीन्स खाना. तो माय मदर कुक्स फूड यानी कि मेरी मदर क्या बनाती है, खाना पकाती है. ओके चल नाउ अ लास्ट एग्जांपल इज एफ आई एस एच फिश. मेक सेंटेंस ऑन फिश. फिश कहाँ रहती है, फिश लिव्स इन अ वॉटर. तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, द फिश, द फिश लीव्स, एल आई वी एस लीव्स इन डब्ल्यू ए टी ई आर वॉटर. द फिश लीव्स इन वॉटर, क्या सेंटेंस बना कि फिश वॉटर में रहती है. लीव्स मीन्स रहना, जैसे हम हाउस में रहते हैं वैसे फिश का हाउस क्या होता है, वॉटर होता है. ठीक है नाउ स्टूडेंट्स दिस ऑल आर द सेंटेंसेस. ओके दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मेक सेंटेंसेस. ओके नाउ यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम्स. आई रिपीट वंस अगेन, सन द सन इज राउंड, डॉग द डॉग इज बार्क्स, मदर माय मदर कुक्स फूड एंड फिश द फिश लिव्स इन वॉटर. Students, now let's move on our second topic, that is fill the missing letters. Now students, our second topic is fill in the missing letters. Missing letters क्या होते हैं, जैसे हमें यहाँ पे ना कुछ स्पेलिंग्स गिवन है. ठीक है इसमें आप देख लो कि यहाँ पे ना डैश लगे हुए हैं और यहाँ पे ना कुछ लेटर्स आएंगे, उन लेटर्स को हमें यहाँ पे फिल करना है और फिल करके ये जो स्पेलिंग्स है ना इनको कंप्लीट करना है.
स्पेलिंग कंप्लीट हो गई. ओके, और यहाँ पे क्या वर्ड आया, ओ आया, सॉरी क्या लेटर आया, ओ लेटर आया. ओके, नाउ आवर सेकंड वर्ड इज जी एल डैश डबल एस ग्लास. ओके, ये क्या है, ये कौन सा वर्ड है, ग्लास. तो ग्लास में हम क्या फिल करेंगे, दैट इज ए. जैसे हम यहाँ पे ए लिखेंगे हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ग्लास. ठीक है, ओके. एफ डैश एस एच, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एफ डैश एस एच आई. ओके, यहाँ आएगा आई. तो आर वर्ड इज फिश. ओके, द न्यू वर्ड इज फिश. नाउ फोर्थ एस एच डैश पी, एस एच डैश पी. तो ये क्या वर्ड हुआ, विफिलिप ओ, हम यहाँ पे ओ लिखेंगे और हमारा वर्ड रेडी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज शॉप. ओके, शॉप मीन्स शॉप क्या होती है, दुकान. फिफ्थ पी डैश एन सी आई एन, ये तो कुछ नोन सा वर्ड लग रहा है ना, जिससे हम राइटिंग करते हैं वाली नोटबुक्स में. तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, पेंसिल. तो पेंसिल की क्या स्पेलिंग होती है, पी ई एन सी आई एन, और हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज पेंसिल. द लास्ट मिसिंग लेटर इज डी डैश सी के, व्हाट इज दिस. तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, यू. यहाँ पे क्या आना चाहिए, यू. तो हमारी वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, इनकम्प्लीट वर्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज डी यू सी के डर. तो आप देखो कि यहाँ पे हमने वॉवल्स की हेल्प से सारे वर्ड्स को कंप्लीट कर दिया, दैट इज फर्स्ट इज डी ओ डबल टी ओ डबल एल डॉल, जी एल ए डबल एस ग्लास, एफ आई एस एच फिश, एस एच ओ टी शॉप, पी ई एन सी आई एल पेंसिल, एंड डी यू सी के यू इज मिसिंग एंड दैट इज न्यू वर्ड इज द. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग बोथ टॉपिक्स एट योर होम. थैंक यू.